गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में, राइट है गाइस? तो हम लोग पढ़ रहे थे गाइस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारा जो चैप्टर चला हुआ था वो कौन सा था गाइस? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये गाइस हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है जी। और सर, इसके अंदर हमने अब तक क्या सीखा? हमने सबसे पहले दिन अपने चैप्टर का ओवरव्यू लिया था, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको लॉगरिथम करना सिखाया, लॉग की कैलकुलेशंस करने सिखाई, लॉगरिथम को सोल्व करना सिखाया, तीन प्रॉपर्टीज बताई और एक बताया कि अगर एक्स की वैल्यू है तो वो 10 की पावर में जाके आंसर आ जाएगा। उसके बाद मैंने आपको मैटर के बारे में बताया, सब्सटेंस को क्लासिफाई किया, दो तरह का सब्सटेंस होता है, एक फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे और एक केमिकल अपीयरेंस के बेस पे। अगर बात करते हैं फिजिकल अपीयरेंस के, तो फिजिकल अपीयरेंस पे हमें कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर कैसा दिखता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस दिखता है। H2O का अपन लोगों ने एग्जाम्पल लिया था और बताया था कि H2O सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एग्जिस्ट कर सकता है, आइस, वाटर, लिक्विड एंड वेपर्स के फॉर्म में। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर आप लोग बात करते हैं मिक्सचर्स की, यानी कि सब्सटेंस की केमिकल अप्रोच के बेस पे, तो मैंने बताया था कि दो तरह के होते हैं, या तो वो प्योर होगा या वो इम्प्योर होगा। कैसा होगा? या तो प्योर होगा या वो इम्प्योर होगा। प्योर होगा मतलब या तो एलिमेंट होगा या कोई कंपाउंड होगा, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटम्स, या वॉलिक्यूल जैसे ले सकते हैं, कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे कि वाटर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ऑक्सीजन गैस ले ली, नाइट्रोजन गैस ले ली, तो ये सब क्या है? ये तरह के कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स है। तो ये कैसे है? प्योर सब्सटेंस है। कैसे है? प्योर सब्सटेंस। अगर बात करते हैं इम्प्योर की, यानी कि किसी मिक्सचर की, किसकी बात करते हैं? मिक्सचर की। तो इम्प्योर या मिक्सचर दो तरह के होते हैं, यानी कि आपने कुछ मिलावट की हुई है। क्या की हुई है? आपने कोई मिलावट की हुई है। मिलावट के बेस पे गाइस वो दो तरह का हो सकता है। दो तरह का कौन कौन सा? या तो वो होमोजीनियस होगा या वो हेट्रोजीनियस होगा। होमोजीनियस मतलब, होमो मतलब होता है सेम और जीनियस मतलब होता है फेज, यानी कि सेम फेज में हो। होमोजीनियस मतलब क्या होगा गाइस? सेम फेज में हो। हेट्रोजीनियस मतलब, हेट्रो मतलब डिफरेंट और जीनियस मतलब फेज, यानी कि डिफरेंट फेज में हो। जैसे कि शुगर में अगर आप वो लोग वाटर मिलाते हैं तो शुगर का कंटेंट सब जगह डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि आपको सेम फेज जैसा, यानी कि आपको सेम फेज दिखेगी पूरे सॉल्यूशन की, यानी कि पूरे आपके मिक्सचर की जो फेज आएगी वो सेम फेज आएगी। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सॉल्यूशन। अगर बात करते हैं हेट्रोजीनियस की, जैसे कि रेत के अंदर, यानी कि पानी के अंदर अगर आप सैंड मिला देते हो या आप लोग मिट्टी मिला देते हो, तो मिट्टी या सैंड जो है नीचे बैठ जाती है और आपका जो सॉल्यूशन है वो दो फेज का हो जाता है गाइस। कितने फेज का हो जाता है गाइस? दो फेज का हो जाता है। और इस प्रकार हम अपने सॉल्यूशन को, यानी कि अपने मिक्सचर को या इम्प्योर सब्सटेंस को होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिवाइड कर सकते थे। होमोजीनियस की कोई प्रॉपर्टी बताई थी, हेट्रोजीनियस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। होमोजीनियस की जब प्रॉपर्टी बताई थी तो बताया था कि ये एक सेम फेज में होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखेगा और सब्सटेंस, यानी कि जो यहाँ पे आपने मिलाया था वो फिजिकल सेपरेशन से अलग भी कर सकते हो। हेट्रोजीनियस से मैंने बताया था कि ये डिफरेंट फेज में होगा और यो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। और इसके लिए मैंने आपको दूसरी जो मतलब थर्ड प्रॉपर्टी जो बताई थी, वो थर्ड प्रॉपर्टी ये थी कि इनको भी आप फिजिकल सेपरेशन से अलग कर सकते हो गाइज। उसके बाद मैंने आपको सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, जैसे कि मास, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इनकी यूनिट्स, इनके आपस में इंटर कन्वर्जन सब सिखाए थे। उसके बाद एवोगैड्रो नंबर को लेके चले थे और एवोगैड्रो नंबर पे हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को सीखा था और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने पता किया था कि भाई 1 mole इक्वल्स टू होता है 6.022 × 10^23 एटम्स, पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स गाइज। इतना करने के बाद हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी और कैलकुलेशंस करने के बाद हमने अपने मिक्सचर को, यानी कि जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर थे या हेट्रोजीनियस मिक्सचर थे, वहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालने सीखे थे। नंबर ऑफ मोल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला था वो था, हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था गिवन मास अपॉन मोलर मास, W अपॉन M। मोलर मास कैसे निकालते थे वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया कि सब्सटेंस के जितने भी उनके एटॉमिक मास होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनको ऐड करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल सकते हैं। मोलर मास बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, बात बच्चे एक ही होती है, क्लियर बात है। फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने सिखाए, नंबर ऑफ मोल्स की फिर बहुत सारी कैलकुलेशंस कराई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलवाए, प्रोटॉन्स निकलवाए, एटम्स निकलवाए, मॉलिक्यूल्स लगाए, दुनिया जान के क्वेश्चंस करवाए। उसके बाद गाइस हम लोग आ चुके थे कंसंट्रेशन पे, किस पे आ चुके थे? कंसंट्रेशन पे। और कंसंट्रेशन पे जब हम लोगों ने किया था तो मैंने बताया था कि दो तरह की कंसंट्रेशन होती है,
एक जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और एक जो टेम्परेचर इनडिपेंडेंट होती है, यानी कि एक को मैंने बोला था कि ये कैसी होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट, कैसी होगी गाइज, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और एक हम लोगों ने पढ़ी थी टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। क्या पढ़ी थी गाइज, टेम्परेचर इनडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट की कैटेगरी से मैंने आपको बताई थी मोलैरिटी, क्या बताई थी मैंने आपको, मोलैरिटी बताया था, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बताया था, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और बताई थी नॉर्मेलिटी, क्या बताई थी गाइज, नॉर्मेलिटी बताई थी, कल की क्लास में ही पढ़ा था ये सब कुछ। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात अगर करते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मोलैलिटी, क्या बताया था, मोलैलिटी, और मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या आपने मैंने बताया था आप परसेंटेज वेट बाई वेट भी कर सकते हैं, या बात कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन की, किसकी बात कर सकते हैं गाइज, मोल फ्रैक्शन की, यानी कि मोल फ्रैक्शन भी मैंने आप लोगों को कल बताया था। निकालते कैसे है वो अपन लोग आज सीखने वाले हैं। इसी के आगे हम लोगों ने बताया था कि मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है गाइज। फिर हम लोगों ने इसके बाद जो सबसे पहला सवाल करना शुरू किया था, हमने मोलैलिटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि पहली कंसंट्रेशन जो थी हमारी वो क्या थी गाइज, मोलैलिटी थी, और मोलैलिटी को हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, कैपिटल एम से, किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल एम से। और मैंने बताया था कि मोलैलिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, और नंबर ऑफ मोल्स को एन से रिप्रेजेंट किया था, वॉल्यूम को वी से रिप्रेजेंट किया था, अगर ये मिलीलीटर में होगा तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आपके पास किसी भी सेफ सब्सटेंस की या किसी भी सॉल्यूशन की आप लोग मोलैलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो प्यारे बच्चे। अब ये मोलैलिटी तो आपने फाइंड आउट कर ली थी, कल मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, मैंने आपको इसको फर्दर से कैसे, इसको फर्दर कैसे तोड़ सकते थे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते थे कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल्स टू होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि यहाँ आप गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते थे, और v इन लीटर में ही लिख सकते थे, राइट, यानी कि फर्दर m को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ऐसे क्लासिफाई कर सकते थे, अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्ट नहीं दिए हुए हैं तो। गाइस ये हमने कल सीखा था। आज सेकंड कंसंट्रेशन की बात करते हैं, और कंसंट्रेशन की बात जो करते हैं प्यारे बच्चों वो करते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, किसकी बात करते हैं गाइज, परसेंटेज वेट बाई वेट की बात करते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है कि आप वहां पे परसेंट निकालोगे, क्या निकालोगे, आप वहां पे परसेंट निकालोगे। तो होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको कंसंट्रेशन वेट बाई वेट में निकालनी है, वेट मतलब सोल्यूट का वेट अपॉन किसका वेट, सोल्यूशन का वेट, किसका वेट, सोल्यूशन का वेट, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। ध्यान रखना यहां सोलवेंट का वेट नहीं लिख रहा हूं, यहां किसका वेट लिख रहा हूं गाइज, सोल्यूशन का वेट लिख रहा हूं, किसका लिख रहा हूं, सोल्यूशन का, सोल्यूट का, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं गाइज, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है, ये भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए। शॉर्टकट में बोले तो शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, W किसका, सोल्यूट का अपॉन W किसका, सोल्यूशन का मल्टीप्लाइड बाई 100। एक बात और ध्यान रखिए कि जो भी वेट, और ये दोनों वेट है यानी कि एक तरह का रेशो है, तो दोनों की यूनिट्स आपको सेम रखनी है। अगर आप इसे ग्राम में लोगे तो आप इसे भी ग्राम में लोगे, अगर आप इसे किलोग्राम में लोगे तो इसे भी किलोग्राम में लोगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ दिया, जैसा आप करना चाहो, लेकिन आप क्या करोगे, दोनों सॉल्यूशंस यानी कि दोनों W को एक ही यूनिट में पुट करोगे, अदरवाइज वो सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, 1000 का डिफरेंस आ जाएगा। फटाफट से लिख ले इसको,
इसको फटाफट से लिख ले गाइस, इतना ही सही लिखना है बस, ये तो सब कुछ पहले लिखा हुआ था, इसके तो क्वेश्चंस भी कर लिए, इतना सही लिखना है। राइट, आगे चलते हैं। अब देखो, सपोज करो कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और इसकी जो आपको कंसंट्रेशन दी हुई है वो बताया हुआ है 20% वेट बाई वेट। क्या बोल दिया? द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 20% वेट बाई वेट। अगर ये कंसंट्रेशन आपको दे दी, ये कंसंट्रेशन आपको दे दी, तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 20 ग्राम कितना भाई, 20 ग्राम कितना ग्राम भाई, 20 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड 80 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट और 100 ग्राम इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि आपके पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था आपके पास गाइज, कि परसेंटेज वेट बाई वेट इक्वल्स टू डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। निकाल लेते हैं, जो मैंने ये चीजें लिखी, जो लाइन मैंने लिखी, इन लाइनों को मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? मायने तो समझ में आ गया, लेकिन मैथमेटिकल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमें निकालना है, हमें तो सॉल्यूट का वेट जो है वो भाई साहब निकालना है, अपॉन W सॉल्यूशन भी निकालना है, इसको 100 से कर दो और यहाँ पे क्या दिया है, 20 दिया है। ये जो वैल्यू दिया आपको क्या दिया भाई, 20 दिया है। अब जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, जब परसेंटेज आप निकालते हो, क्या निकालते हो आप, परसेंटेज निकालते हो, तो बेटा जी परसेंटेज निकालने का मतलब ये होता है कि आप 100 के आंकड़े पे ही उसको देखना चाहते हो। आपने फिक्स कर दिया कि चाहे ये 2000 हो या 3000 हो या 4000 हो, मैं तो केवल इसे 100 की स्केल पे ही चेक करूंगा। परसेंटेज मतलब 100 की स्केल पे चेक करना, यानी कि आपका जो वेट है वो 100 फिक्स हो चुका, सॉल्यूशन का जो वेट है वो 100 फिक्स हो चुका, 100 से 100 कट जाएगा और वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो क्या आ गया गाइज, 20 ग्राम। क्या आ गया भाई साहब, 20 ग्राम आ गया। अगर 20 ग्राम सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 - 20 यानी कि 80, यानी कि 20 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 80 ग्राम, और दोनों को मिला के कितना होगा, वही सॉल्यूशन का होगा, वही किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। यानी कि अगर आपको आज के बाद कंसंट्रेशन वेट बाई वेट में मिली है, परसेंटेज वेट बाई वेट में मिली है, तो आप बेटा जी क्या करोगे, आप जो भी वो नंबर लिखा होगा, जैसे कि यहां तो मैंने नंबर लेके दिखाया 20%, क्या लेके दिखाया, 20%, अगर वो बोले कि 40% इज द कंसंट्रेशन वेट बाई वेट ऑफ ए सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है, अगर 40% दी हुई है तो उसका मतलब क्या है, 40 ग्राम इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना है, 40 ग्राम है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आ गया, 100 - 40 कितना आ गया, सॉल्वेंट 100 - 40, यानी कि 60 ग्राम। 60 ग्राम जो वेट है वो किसका है गाइस, सॉल्वेंट का वेट है, सॉल्यूशन का पूरे का 100 रहेगा, सॉल्यूट का जितना भी नंबर दिया है वो, और सॉल्वेंट का 100 - आप जो भी नंबर दिया है वो। राइट, इसको लिख ले गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर ये दिया हुआ है तो उसका मायना क्या है, इसका मायना है गाइज कि उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी थी। एक कितनी आई 20 ग्राम, एक कितनी आई 80 ग्राम, और दोनों का मिला के कितना आया 100 ग्राम, क्योंकि सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, सॉल्यूशन मिलके बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सॉल्यूट किससे मिलके बनता है भाई साहब, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से।
लिख लो जी फटाफट। लिख लिया जी। आगे चले सर, आगे चलते हैं गाइस। इसको पोज करके लिख लेना। दो कंसंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ ली, एक पढ़ ली मोलारिटी और एक पढ़ ली परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट का ही मतलब अच्छे तरीके से समझ लिया, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं गाइस। थर्ड कंसंट्रेशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, किसकी बात करते हैं जी? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि उसका अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, यानी कि ये किसके बराबर आएगा, अमाउंट बोल लो या वेट बोल लो, क्योंकि W है तो सीधा सीधा आपको वेट ही दिखना चाहिए। वेट ऑफ सोल्यूट किसमें, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितने में, किसमें, ml में, मल्टीप्लाई परसेंटेज किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस देखो, इसमें दो चीज बड़ी ध्यान देने की थी। एक तो ये आपका ml और एक ये आपका ग्राम। ये ml और ग्राम जो है ये बहुत काम का है, ये ml और ये ग्राम, ये बहुत काम का है गाइस। इसके बिना ये सवाल नहीं होगा। ये ml और भाई साहब ये ग्राम, आपका वेट जो सोल्यूट का है वो ग्राम में ही होना चाहिए और आपका सोल्यूशन जो है वो एमएल में ही होना चाहिए। सपोज करो एक सोल्यूशन है और उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है एक्स परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या बोला हुआ है कि सपोज करो कि इसकी जो है, या एक्स की जगह यार आप कोई नंबर ले लो, एक्स मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। सपोज करो कि यहां दिया हुआ है 20% वेट बाई वॉल्यूम, 20% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, इट मींस 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 100 ml के सोल्यूशन में 20 ग्राम की सोल्यूट के घुले हुए हैं। क्या बोला जी मैंने, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ये मायना है जी इसका। यानी कि अगर x परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x ग्राम ऑफ सोल्यूट, कुछ भी नंबर दिया है, x इज ए एनी नंबर, x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, राइट है गाइस। इसका मतलब भी लिख लो, ये सब काम आने वाले हैं। अभी आपको
नीट जेई के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अभी रुको, अभी इसको फटाफट एक बार लिखो, फटाफट से लिखो, जितने भी कंसंट्रेशन अपने काम किए सारी फटाफट से कर लेंगे, इसको एक बार लिखो। ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है गाइज, ये ग्राम में होना चाहिए, और ये दूसरा किस में होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए ml में। मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि चीज़ें बदल जाएगी अगर आपने यूनिट नहीं याद रखी, मतलब बदल जाएगा। फटाफट से लिखेगी प्यारे बच्चे, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको डब्बे में कर लेंगे बंद। ये था आपका फॉर्मूला, और किसी का भी मतलब क्या है, ये है। ये मतलब होता है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का। इसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये चीज राइट, और एक ये चीज 100 ml x ग्राम में डिजोल्व है। फटाफट से लिख लेंगे, जो चीज काम की है सर्कल में बंद कर दिया, डब्बे के अंदर बंद कर दिया, वही आपको याद रखनी है। आगे चल सकते जी, लिख लिया फटाफट से, आगे चलते हैं गाइस। ध्यान रखना ग्राम है ml है, ठीक है, मैंने बोला x ग्राम 100 ml में। ये देखो ये बोल रहा हूं बार बार, है ना, ये बोल रहा हूं बार बार, x ग्राम 100 ml में, है ना, ध्यान रखना इन चीजों को। आगे चलते जी, फोर्थ निकालते जी, मोलैलिटी किस में निकालेंगे जी, स्मॉल m। मोलैलिटी का मतलब क्या होता है जी, स्मॉल m, स्मॉल m इक्वल्स टू क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, और मोलैलिटी इक्वल्स टू एन बोल सकता हूं, कि बार इसको एन लिख दूं, वेट मतलब सॉल्यूशन समझ जाओगे। अगर इसको इन ग्राम में पड़ा तो यहां 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, राइट है गाइस। यानी कि एक फॉर्मूला मेरे पास आया ये, और एक फॉर्मूला मेरे पास आया ये, दोनों ही फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट, लिख लो जी।
यहाँ पे आप सोलवेंट ही करना, सोलवेंट लिखो भाई यहाँ। और ये मोलैरिटी और मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आती है पेपर में, कई बार पूछते हैं मोलैलिटी का फॉर्मूला और आप लोगों को पता तक नहीं होता कि क्या मतलब होता है मोलैलिटी का, आप लोग समझ ही नहीं पाओगे मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह रहते हैं, केवल वहां वॉल्यूम था और यहाँ पे क्या है वेट है, वहां पे वॉल्यूम था यहाँ पे क्या है वेट है, ध्यान रखना। इसको फटाफट से लिखे गाइज, हो गया गाइस मोलैलिटी, हो गया मोलैलिटी, हो गया क्या हो गया साहब मोलैलिटी। आगे चले, आगे चलते हैं, बात करते हैं फिफ्थ नंबर की कंसंट्रेशन की, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। किसकी बात करते हैं सर, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें ml में, किसमें ml में, मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर कोई सॉल्यूशन दिया है और उसकी कंसंट्रेशन दी है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्या कंसंट्रेशन दी है उसकी 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है, इट मींस 20 ml ऑफ सॉल्यूट ml of solute is dissolved in 100 ml of solution, यानी कि अगर x परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, x ml of solute is dissolved in 100 ml of solution guys, ये था इसका मतलब। एक फॉर्मूला ये, इसका मतलब क्या आया, ये और इसका मतलब ये होता है इसका मतलब, ठीक है गाइस। इसको फटाफट से लिखो, पांच तरह की कंसंट्रेशंस पढ़ चुके है ना, चार पांच तरह की कंसंट्रेशंस को पढ़ चुके, सारी कंसंट्रेशंस का मतलब पता होना चाहिए हमें। 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 20 ml 100 ml के अंदर डाल दिया, यानी कि आपको सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 ml से ज़्यादा नहीं करना है। अगर यहाँ 100 ml सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 - x, सॉल्वेंट कितना होगा 100 - x,
फटाफट से लिखेंगे। लिख लिया जी। लिख लिया होगा गाइस, है ना। आगे चलते हैं। पांच तरह की कंसंट्रेशंस खत्म। बात करते हैं सिक्स टाइप की कंसंट्रेशन की। और हमारे पास कौन कौन सी कंसंट्रेशन थी एक बार जरा देख लो। ये हमारे पास कंसंट्रेशन थी। हमने मोलारिटी को भी पढ़ लिया, हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी पढ़ लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी पढ़ लिया, मोलारिटी की पढ़ ली, ये पढ़ ली। एक ये रह गया और एक ये रह गया। एक तो रहेगी नॉर्मैलिटी, एक तो रहेगी नॉर्मैलिटी, और एक हमारे पास बचा मोल फ्रैक्शन। तो पहले बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सिक्स कैटेगरी की बात करते हैं मोल फ्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं गाइज? मोल फ्रैक्शन की। और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? काई से। देखो काई से एक बार फिर से बना के दिखाता हूं। देखो उधर, देखो काई कैसे बनता है, ऐसे, और ये सीधी लाइन काई। इसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं इसको? मोल फ्रैक्शन का नाम देते हैं। और काई इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि कैसे इसका मतलब समझते हैं? सपोज करो आपके पास एक सॉल्यूशन है। क्या आपके पास एक सॉल्यूशन है? उसके अंदर ए और बी डिसॉल्व किए हुए हैं। क्या डिसॉल्व किए उसके अंदर? ए और बी को उसके अंदर डिसॉल्व किया हुआ है। ए और बी उसके अंदर डिसॉल्व है। सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो है वो है एन ए। क्या है? एन ए। एन आर द नंबर ऑफ मोल्स, ए मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इक्वल्स टू क्या है? एन बी। क्या है? एन बी। तो हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर जिसमें ए और बी को हमने मिलाया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, क्या गाइज? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? काई, और नीचे क्या लगा देंगे? ए। इक्वल्स टू क्या? दैट स्पीसीज। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं? एन ए। कितने हैं? एन ए। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए? एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा? काई बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एन ए प्लस एन बी। ये गाइज हमारे पास आए इसके फॉर्मूलाज। राइट है जी, ऐसे निकालने हैं सर आपको, ऐसे निकालने हैं। एक काम की बात और सीख लेते हैं साथ के साथ। एक काम की बात क्या सीख लेते हैं गाइज? मोल फ्रैक्शन तो आपने निकालने सीख लिए, मोल फ्रैक्शन तो आपने निकालने सीख लिए। तो एक चीज देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोट। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? नोट लिख रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज समझेंगे, देखो क्या समझेंगे, इस बॉक्स के अंदर बना के तुम्हें वो चीज मैं समझाता हूँ। ये नोट पढ़ते हैं, इस नोट के अंदर देखना कि काई ए प्लस काई बी हमेशा वन के इक्वल रहेगा, वन से ना कम होगा ना वन से ज्यादा होगा। देखो कैसे,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काई ए? काई ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस व्हाट इज काई बी? काई बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। उसके बाद क्या ले सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम क्या आया? एन ए प्लस एन बी। और ऊपर भी क्या जाएगा? एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी से कट जाएगा एन ए प्लस एन बी और इक्वल्स टू क्या आएगा? वन। यानी कि दोनों मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है वो किसके बराबर आता है गाइज? वन के बराबर आता है। किसके बराबर आता है सर? वन के बराबर आता है। और जवाब तुम्हारे पास ये रहा। लिख लो गाइस फटाफट इसको। फटाफट से लिख लो गाइस इसको। बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में तुम्हारे लिए नोट्स लिख रहा हूं। फटाफट से लिख लो। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू होएगा वन। क्या मतलब है मोल फ्रैक्शन का वो भी आपको समझा दिया। लिखो फटाफट से लिखो। फटाफट से लिखो गाइस। मोल फ्रैक्शन का मतलब भी आपने समझ लिया। किसी का भी मोल फ्रैक्शन मतलब उसके मोल अपॉन जितने भी उसमें मोल है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, चाहे कितने भी है, आप टोटल में सब कुछ लिखोगे, टोटल लिखोगे, ऊपर पर्टिकुलर उसकी बात करोगे। अगर आप ये मोल बाई मोल का रेशियो निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा गाइस? आपके पास आएगा आपका मोल फ्रैक्शन। पूरी केमिस्ट्री में पीछे नहीं छोड़ेगा आपका। ये ग्यारहवीं हो या बारहवीं हो, छोड़ेगा नहीं पीछा। आज ही समझ लो, खत्म करो बात को, आगे करना ही नहीं। राइट है? फटाफट से लिखो। लिखो गाइस फटाफट से लिखो। लिख लिया होगा? पोज करके लिखे ना, आगे चलते हैं। पोज करके भी लिख सकते हो गाइस। मुझे नहीं आइडिया है कि आप कितनी स्पीड से लिख पा रहे हो। आपके लिए केवल एक ही फैसिलिटी है कि आप इसको पोज कर सकते हो और लिख सकते हो। केवल एक फैसिलिटी है। मुझे नहीं पता कि आप कितना लिख पा रहे हो। आगे चलते हैं, ठीक है जी। और बात करते हैं सेवेंथ नंबर की कंसंट्रेशन की। सेवेंथ नंबर की कंसंट्रेशन जो है वो है नॉर्मेलिटी। क्या है गाइस? वो नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से करते हैं। देखो मैंने आपको पता नहीं कितने सारे बता दिए, कितना सब कुछ ही आपको बता दिया। नॉर्मेलिटी निकल जाती है मोलैरिटी से। किससे निकल जाती है नॉर्मेलिटी? मोलैरिटी से निकल जाती है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मोलैरिटी। और आपको इसमें
एक चीज से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। देखो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक जैसी चीज है। मोलैरिटी में लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स और नॉर्मेलिटी में लेते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या लेते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है, कैसे निकलते हैं, ये सब मैं आपको नहीं समझा सकता क्योंकि अभी आप चीजों को पकड़ नहीं पाओगे। लेकिन हाँ, नॉर्मेलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है, विद द हेल्प ऑफ मोलैरिटी आई कैन टेल यू विद अ सिंपल फॉर्मूला जो बाद में आप प्रूव करोगे, राइट। एक फॉर्मूला होता है गाइज, Ne इक्वल्स टू Ma, इसको हमेशा ध्यान रखना। क्या फॉर्मूला होता है? Ne इक्वल्स टू Ma। N क्या है? नॉर्मेलिटी है। E क्या है? इक्विवेलेंट वेट। क्या है E? इक्विवेलेंट वेट। M क्या है? मोलैरिटी। और ए क्या है? एटॉमिक वेट। ए क्या है गाइस? एटॉमिक वेट। मुझे निकालनी है नॉर्मेलिटी, तो एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट से रेशियो जो होता है वो होता है एन फैक्टर। क्या होता है गाइस? वो एन फैक्टर होता है। ये फॉर्मूला आपके पास आया एन फैक्टर। अब सर ये एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एन फैक्टर। अभी एन फैक्टर कैसे निकलता है? एन फैक्टर का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है जी, एन फैक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। ऐसे निकालते हैं जी एन फैक्टर साहब। अब ये जो आपने ये सर आपने जो ये लिखवा दिया टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज, ये एन फैक्टर निकालू कैसे? देखो बात करते हैं AlCl3 की, क्योंकि आपको वो जो भी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी देगा किसी ना किसी सब्सटेंस को डिजोल्व तो करवाएगा, और जो भी सब्सटेंस डिजोल्व करवाएगा, सपोज करो कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं AlCl3 के लिए, AlCl3 को पानी में डिजोल्व करने के बाद उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करना चाहता हूं। मोलैरिटी आप लोग निकाल ही लोगे नंबर ऑफ मोल से अपॉन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से, राइट। ये एन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? उसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। क्या जाएगी आपके पास उसकी गाइज? नॉर्मेलिटी आ जाएगी। अब ये नॉर्मेलिटी कैसे आए? नॉर्मेलिटी के लिए एन फैक्टर चाहिएगा। एन फैक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज। इस AlCl3 के लिए क्या पॉजिटिव चार्ज है क्या नेगेटिव चार्ज है मुझे कैसे पता लगेगा? तो AlCl3 को आपको क्या कर देना है? ब्रेक करके देखना है। ब्रेक कैसे? जो भी नंबर यहां पे लिखा हुआ है इस नंबर की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। कहां पे? बिल्कुल इसके टॉप पे। यहां पे लिखा हुआ है एक जो कि नहीं लिखा हुआ छिपा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको इसके टॉप पे, यानी कि यहां पे इसकी यहां पे। और ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर इसके शुरू में भी लिखा जाएगा। यानी कि मैंने क्या बकवास की वो मैं आपको बताता हूं। Al और Cl को अलग अलग लिख लो, राइट। ये 3 इसके ऊपर जाएगा 3 पॉजिटिव बन के, यानी कि जो शुरू में लिखा रहता है उसको कटायन बोलते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको एनायन बोलते हैं। कटायन पे जाता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे जाता है नेगेटिव चार्ज। अब कटायन पे कितना पॉजिटिव जाए वो कहां से पता लगेगा? इस बेस से, यहां से कितना ऊपर जाएगा, तो यहां कितना गया 3 पॉजिटिव, और यहां से कितना गया 1 नेगेटिव। कितना गया? 1 नेगेटिव। लेकिन ये 3 नंबर जो था ये पावर में तो गया ही, ये साथ साथ इसके इधर भी लिखा गया। यानी कि मेरे पास जो स्पेसीज आई वो एक तो आई Al3+ और एक मेरे पास आई 3Cl-। अब बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है? 3। अरे 3 प्लस दिख रहा है ना, तो 3 पॉजिटिव चार्ज है। कितना नेगेटिव चार्ज इसके पास है?
एक नेगेटिव यहां से और तीन सीएल है मेरे पास, एक सीएल पे एक नेगेटिव, तीन सीएल पे कितना नेगेटिव, तीन नेगेटिव, यानी कि आपका जो एन फैक्टर आया वो आया थ्री। क्या आया आपका एन फैक्टर? थ्री आया, यानी कि जो भी इसकी मोलरिटी होगी उसमें आप एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, आपको उसकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी। समझ में आती है? जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते, ये था एग्जाम्पल एक, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं किसका, H2SO4 का। किसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं गाइज, H2SO4 का। SO4 जो होता है वो सल्फेट होता है, पूरी एक यूनिट है, यानी कि ये पूरी एक स्पीसीज है। इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है, ये जो नंबर है ये इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे एक लिखा है ये इसके ऊपर जाएगा। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 2H+, यानी कि ये 2 यहाँ भी जाएगा प्लस इसके ऊपर भी जाएगा। तो 2 यहाँ चला गया और सो 4 पे क्या चला गया, 2-, और 1 यहाँ पे भी आ गया। इसको लिखो या ना लिखो, इसका इन्फेक्टर कितना आया, इसका इन्फेक्टर कितना आया, पॉजिटिव कितना है, एक पॉजिटिव, और कितने पॉजिटिव है, 2 से मिलके बना है 2H+, यानी कि इसका इन्फेक्टर आया 2। यार नेगेटिव कितने हैं आपको, 2 नेगेटिव दिख रहे होंगे, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव आता है, इसका इन्फेक्टर आया गाइस हमारे पास 2। ये सोल्ट को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, 9th क्लास में सिखाया जाता है, 9th क्लास में सोल्ट्स के फॉर्मूले लिखाए जाते हैं, ठीक है। तो वहीं से पता लगता है, वहीं पे पता करते थे कि किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। इसको फटाफट से लिख लो, फटाफट से लिख लो। फटाफट से लिखिए गाइस, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं बहुत बढ़िया सा। लिख लिया जी, लिख लिया होगा, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं गाइस, क्वेश्चन लिखते हैं। ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया
लेबल्ड एज 20% वेट बाई वेट, राइट? एंड डेंसिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर एमएल. क्या गाइज? 1.25 ग्राम पर एमएल. कैलकुलेट मोलरिटी. क्या पूछ रहा है आपसे? मोलरिटी को कैलकुलेट करवा रहा है. क्या करवा रहा है गाइज? मोलरिटी को कैलकुलेट करवा रहा है. साथ में क्या बोलता है? ऑल्सो गिवन केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज NH2CO NH2. ये भी आपको दे दिया. मोलरिटी आपसे पूछ रहा है. सॉल्यूशन करते हैं सर, बात करते हैं किसकी? सॉल्यूशन की बात करते हैं. अब सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस? हमें देखना पड़ेगा कि मोलरिटी का मतलब क्या होता है. आपको पता है कि मोलरिटी इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ml, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1000. ये होता है आपका मोलरिटी का मतलब. और जो आपको 20% वेट बाई वेट दिया है, इसका मतलब क्या है? 20% वेट बाई वेट का मतलब है 20 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यही मतलब है इसका. अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ग्राम दिए यूरिया के 20 ग्राम, गिवन मास हो गया, और मोलर मास आप निकाल सकते हो यहां से, तो मोलरिटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स आप क्या निकाल सकते हो? यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इक्वल टू क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना आया? गिवन मास है 20. कितना है गाइस वो? 20. और मोलर मास कितना होगा? NH2CO NH2 का. N का कितना होता है? N का होता है 14. H2 का कितना हुआ? 2. फिर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर N का 14, और फिर हाइड्रोजन का 2. ये आया आपके पास मास. यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 14 और 2 16, 16 16 32, 32 और 16 48, 32 और 16 38, और 38 और 10 48, और 48 और 2 50, 10, 50, 60. यानी कि 60 ग्राम आया आपका इसका मोलर मास. यानी कि क्या आया आपके पास? 2/6. ये है नंबर ऑफ मोल्स. अब आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये किसका था वॉल्यूम? सॉल्यूशन का वॉल्यूम था. किसका वॉल्यूम था? सॉल्यूशन का वॉल्यूम था. आगे चलते हैं, लिखने का टाइम दूंगा. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है 100 ml. कितना है गाइस आपके पास? 100 ml. सॉरी, वेट 100 ग्राम है ना, परसेंटेज वेट बाय वेट दिया है, तो 100 ग्राम होगा, है ना. सॉल्यूशन का वेट कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 100 ग्राम, राइट? अब अगर आपका वेट सॉल्यूशन का 100 ग्राम आया है, तो आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए. क्या चाहिए आपको?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम और वेट को कनेक्ट करवाती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। मास कितना है? 100। डेंसिटी कितनी है? 1.25। कितनी है डेंसिटी? 1.25। तो वॉल्यूम भी आ गया आपके पास। अब क्या निकालनी है इसकी? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2/6। कितने हैं? 2/6। वॉल्यूम कितना आया? 100/1.25। मल्टीप्लाइड बाई किससे करना पड़ेगा? 1000 से, क्योंकि जो हम यहाँ पे ग्राम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम जो निकाल रहे हैं, वो हमारी किस में आएगी? ml में आएगी। किस में आएगी वॉल्यूम हमारी? ml में आएगी। तो 20 से ये 20 कट जाते हैं गाइस, राइट है। इसका ये पॉइंट हटा के यहाँ लग जाता है इस जीरो से, यानी कि m इक्वल्स टू आया 2/6 इंटू 12.5। इसके पॉइंट को हटा के 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर सकते हैं, यानी कि 2 × 125/6×10। 125 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या जाएगा? 250। क्या जाएगा इस? 250/6×10। 10 से 10 कट जाएगी, आंसर क्या आएगा? 250/6। कट करते हैं, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 4 = 24, बचा 1, राइट। फिर से जीरो लगा देंगे, 6 × 1 = 6, फिर से कितने बचे? 4। और उसके लिए फिर से क्या करेंगे? 6 × 6 = 6 और आगे 6 × 6 = 6 पे चलती रहेगी, यानी कि हमारे पास जो मोलैरिटी आई, वो मोलैरिटी क्या आई गाइज? 4.16 मोल पर लीटर। ये आया आपका आंसर। तो सब कुछ खेल किसका था? केवल समझने का, कि आपको बस चीजों के सही मायने बताओ। इसको फटाफट से गाइज लिख ले। फटाफट से लिखेगा ये इसको, फिर अगली स्लाइड को लिखाता हूँ। और ये एक सॉल्यूशन आपको सही से आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए गाइस, ठीक है। इसको फटाफट से लिखे, यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू हुआ है, यहां से, यहां से आपका सॉल्यूशन शुरू हुआ है। ये जो उसके नीचे की चीजें है, ये सॉल्यूशन के लिए ही है। यहाँ नीचे सॉल्यूशन है, ये सप्लीमेंट्री डाटा था गाइस, हमने चुरा लिया था। ये हमें पता लग गया था कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये होता है। और हमने यही पहले क्या निकाला? हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स ही निकाले, नंबर ऑफ मोल्स ही निकाले गिवन मास अपॉन मोलर मास से। इसका मतलब हमने समझ लिया, हमने क्या किया? हमने बहुत अच्छे ढंग से इसका मतलब समझ लिया, इसका मतलब तो भाई ये होता है, यानी कि हमें वेट पता लग गया सॉल्यूशन का भी, और वेट पता लग गया सॉल्यूट का भी। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास फॉर्मूले से पता लग ही जाएगा आपको। मोलर मास आपको किससे पता लग जाएगा? इस फॉर्मूले से, कैलकुलेट करके आपके सामने दिखाई दिया, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। इसको लिखे आगे, फ्रीज करके लिखना, आगे चलते हैं। फिर मैंने बताया कि वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया इतना, वॉल्यूम दिया इतना, डेंसिटी दी हुई थी हमें। डेंसिटी कितनी दी हुई थी? 1.25। यकीन नहीं है तो देख लो, डेंसिटी कितनी दी हुई थी? 1.25। ये 1.25 मतलब क्या होता है? 100/1.25 सॉल्यूशन। आगे मोलैरिटी की बस वैल्यूज को रखा है, वॉल्यूम भी पता लग चुका और हमें नंबर ऑफ मोल्स भी पता लग चुके। वॉल्यूम किस में आया? ये जो यूनिट थी गाइज, ये थी ग्राम पर एमएल में,
और ये क्या था, ये था ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एमएल ऊपर आ जाएगा, नहीं कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, एमएल में आएगा। अगर वॉल्यूम को एमएल में रखोगे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये अगर भूल गए तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। देखो इसी का पैसा था, नहीं तो वहाँ कुछ बड़ी सी यूनिट आती, कुछ बड़ी सी यूनिट आती वहाँ पे, है ना। तो ये आपको नहीं भूलना है, ये आपको नहीं भूलना है। मैं दोबारा लेता हूँ उसको, 4.16 मोल पर लीटर मोलर, राइट। समझ में आया गाइस, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। कंसंट्रेशन सम्स को हमने ख़त्म कर लिया, कल हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और इसी से रिलेटेड, राइट। और हम एक नई टॉपिक सीखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में कल पता करेंगे, और ये चैप्टर फिर